माय नेम इज शिवान बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी रही थी और हम लोगों ने जिस तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट करा था कि जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो है वो ब्रेक नहीं होगा एंड मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। एंड हमने आप लोगों को बोला था कि ओपन इंटरेस्ट का डाटा एंड एफआईआई का डाटा बहुत ज्यादा वीक है, बट हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव करेंगे। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस जो बनता है, जो ग्राफ में बनता है, वो ही एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट में पुट करा जाता है। सो मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने एनालिसिस करी थी वो एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट रही। इसके अलावा हम लोगों ने ट्री टर्बाइन आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था जो 5% ऊपर गया था, हमने ग्रासिम दिया था जो 4% ऊपर गया था, एंड इसके अलावा हम लोगों ने आप लोगों को थर्मैक्स दिया था जो हम लोगों ने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था कि ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होगी देन यू कैन गो फॉर अ बाय। एग्जैक्टली वो ऊपर खोला, वही उसका हाई था और वहीं से वो नीचे आता रहा। सो आई पर्सनली थिंक हमारी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। अब बात करते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करने, कल की मार्केट कैसी रह सकती है, क्या ये रिवर्सल एक्चुअल में एक नया हाई क्रिएट कर सकता है या दोबारा हम लोग एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डाटा बिल्कुल बदल चुका है कल की मार्केट के थ्रू, किस तरीके से काम करना है चलिए बात करते हैं। हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं एंड हमारा सबसे पहला स्टॉक है TCS, एंड TCS को आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा था एंड आफ्टर इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट ऑन अगस्त एंड आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट इट मूव्ड अप टू ऑलमोस्ट 4000 लेवल, मतलब ऑलमोस्ट इट गेव अ रैली अप टू 700 पॉइंट्स और उसके बाद ये दोबारा नीचे आया है। अब नीचे आया एग्जैक्टली जो इसकी ट्रेंड लाइन थी जो कि पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, नाउ इट एक्टिंग एज अ सपोर्ट बिकॉज यहाँ पर एक रीटेस्ट हम लोगों को देखने को मिला है। अब यहाँ पर अभी करंट प्राइस है TCS का 3476 रुपीज़ का और एग्जैक्टली इसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। सो लेट मी शो यू। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को समझेंगे, सो आप देख रहे होंगे कि एक फॉल आता है, हल्का सा मूव आता है, एक शार्प फॉल दोबारा आता है एंड ये ऊपर आता है। अब आप देखेंगे ये जो फॉल आने के बाद 3 दिन लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिला था एंड आफ्टर अ वेरी गुड कंसोलिडेशन एक शार्प कैंडल हम लोगों को देखने को मिली और उसके बाद अगली कैंडल में गैप डाउन ओपन हुई थी। तो ये वाला जो सिनेरियो होता है, ये पूरा सिनेरियो एक बियरिश होता है। तो उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन पे गैप अप खोला और वहां से कंटिन्यूसली ऊपर गया। सो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लॉसेस बुक करे होंगे डेफिनेटली। और अगर आप देखेंगे कि ये एक गैप डाउन जब आया था आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेक डाउन, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजिशन बनाई होगी, बट आज के दिन जब ये गैप अप आया तो बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए होंगे। सो अभी जो एक सबसे बड़ा हर्डल लोगों को देखने को मिल रहा है, लेट मी गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा हर्डल लोगों को इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। सो करंट प्राइस है 3476 का, हर्डल जो आ रहा है वो आ रहा है 3500 से लेके 3520 रुपीज़ का। अब एक बात अच्छी है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक डबल बॉटम देखने को मिला है, एक सपोर्ट पे ही हम लोगों ने एक डबल बॉटम क्रिएट करा है और वहाँ से वो ऊपर जा रहा है, बट एक स्ट्रॉन्ग हर्डल हम लोगों को देखने को मिल सकता है 3520 के आसपास। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अपनी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर आप लोग डेफिनेटली कर लेना, बट अगर ये डेफिनेटली इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम लोग अपने नए लेवल्स को एग्जामिन कर सकते हैं, नए टारगेट्स देख सकते हैं। बट अभी के लिए कल इंट्राडे के लिए सिर्फ 3500 to 3520 तक के ही लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, 3480 के ऊपर हम अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक। तो हमारा सेकंड स्टॉक है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी कल की प्रीवियस वीडियो पे बताया था कि भाई मैं उन्हीं स्टॉक्स पे काम कर रहा हूँ या उन्हीं स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और ट्रेड कर रहा हूँ जो अपने लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल आसपास है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक भी लाइफ टाइम हाई के पास ही है, एग्जैक्टली अपना ही इसका लाइफ टाइम हाई है। एंड अब आप देख सकते हैं कि एक चैनल के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा है और एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे इट क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल डबल बॉटम पैटर्न। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, सो लेट मी शो यू, देख सकते हैं ये एक छोटा सा हर्डल का काम कर सकता है। जैसे इस लेवल का एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और एक 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो ये बहुत अच्छी अपमूव भी दे सकता है और ऑलमोस्ट हम लोग 30 पॉइंट्स तक की अपमूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अभी करंट प्राइस इसका 357 रुपीज़ का है, हम लोग अपनी बाइंग बना सकते हैं 363 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, और उसके बाद जो हम अपने टारगेट्स एक्सपेक्ट करें दैट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन दीज लेवल, और इसका जो लेवल निकल के आ रहा है दैट शुड बी अराउंड, जो टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट शुड बी 395 to 400 रुपीज़ के लेवल भी पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले टाइम पे दिखा सकता है। तो स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर आप लोग जरूर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। सो हमारा लास्ट स्टॉक है तत्वा।
तत्वचिन फार्मा केमिकल अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी स्टॉक मैंने आप लोगों को कम से कम एक हफ्ता पहले ऑलरेडी रिकमेंड करा था, और आप लोगों को वो लेवल याद होंगे कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रॉफिट्स मुझे यहाँ पर भेजे थे एग्जैक्टली इस बॉटम पे, एग्जैक्टली इस बॉटम पे जब ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी। आई हैव टोल्ड यू टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ये टारगेट हमारा फर्स्ट और उसके बाद भी एक ब्रेकआउट दे सकता है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2155 के लेवल से ये 2800 तक की अपमूव कर चुका है, बट अभी भी ये स्टॉक अच्छे लेवल्स पे और बाय करने के लिए है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो ऑलमोस्ट था 2930 रुपीज का लेवल। अब उसने इस लेवल से एक ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक, इसने ब्रेकआउट दिया एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट वो ऊपर गया। अब उसके बाद वो कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे आया, बट आज के ट्रेडिंग सेशन पे ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर गया, और इसके जो भी प्रीवियस दो दिन के हाइस थे उसके भी ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग करी है। दूसरी बात, जो इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था एग्जैक्टली उस लेवल पे रीटेस्ट करा, इट गेव अ वेरी गुड सपोर्ट और वहां से बाउंस करके ऊपर गया। अगर मैं यहाँ पर इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक बहुत बढ़िया अच्छी इम्पल्स अपमूव दी थी, एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इम्पल्स मूव ये नीचे आया। नीचे आने के बाद इट क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल डबल बॉटम, एंड इस ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर भी गया है। सो डेफिनेटली ये आने वाले टाइम पे अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर सकता है और नए ऊपर लेवल्स भी दिखा सकता है, तो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, और कभी भी आपको इस लेवल्स के आसपास डिप मिले स्टॉक के अंदर तो यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक एज वेल, बिकॉज अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। अभी रिसेंटली ये स्टॉक लिस्ट हुआ है और ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जो रिसेंटली लिस्टों के ऊपर जा रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम पे दे सकते हैं, सो प्लीज कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और एक बार ओपन इंटरेस्ट और एफआईआई का डाटा भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और एग्जैक्टली सेम एनालिसिस जो हम लोगों ने कल करी थी एग्जैक्टली वैसा आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है। हमने बोला था कि एग्जैक्टली इस लेवल पे क्लोजिंग हुई है, ये जो रेड कलर की लाइन है ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने वाली है, एंड आप लोग करंट लेवल्स पे अगर कल डिप देती है तो भी आप लोग अपना बाय निफ्टी के अंदर डेफिनेटली बना सकते हैं। सो डेफिनेटली गैप ओपन हुआ, नीचे आया, अपने जिस लेवल पे क्लोजिंग हुई थी एग्जैक्टली उसके आसपास आया, एंड एक शार्प रैली हम लोगों को दोबारा देखने को मिली। हमारे जो टारगेट्स थे, हमारे जो टारगेट्स पर्टिकुलर हम लोगों ने मान के चले थे, सबसे पहला टारगेट था 17,850 रुपीज़ का लेवल, जो कि हमारा ये जोन था, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जोन का हमारा टारगेट था, उसको भी ब्रेक करा था, और फिर हमारा सेकेंड टारगेट एक रेंज थी 18,000 से लेके 18,100 रुपीज़ के, बट अभी जो करंट प्राइस है 17,920 का है, बट डेफिनेटली गाइस इसने एक ब्रेकआउट दिया आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड गैप अप और कंटिन्यूस अपमूव थी, सो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर एक बाइंग आ सकती है। बट ये जो एक शार्प फॉल आप लोग देख रहे हैं, इसका मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ एट दिस पर्टिकुलर लेवल, ये एक मिड पॉइंट है। डेफिनेटली इस मिड पॉइंट पे हम लोग एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक कंटिन्यूस फॉल आया था, सो हम इस मिड पॉइंट को भी इग्नोर करते हैं। ये जो फॉल आया था ना, इस फॉल का हम लोग मिड 50% लेते हैं, ठीक है। तो ये टॉप था एंड दिस इज द बॉटम, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज के अंदर एक सेलिंग प्रेशर हमें मिनिमल टाइम के लिए देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इंट्राडे में इस लेवल पे थोड़ा सा नीचे आएगा और उसके बाद हम लोग इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोगों को मान के चलना है, बट रेजिस्टेंस 18,070 से लेके 18,100 के पास डेफिनेटली है, तो वो चीज़ आप लोग मान के चलेगा। मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है ऑन अ लेवल बिटवीन 17,700 to 18,100, अभी करंट प्राइस 17,900 का है, सो 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर तक मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है इस अपकमिंग एक्सपायरी के लिए, तो इस बात को नोट आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कल मार्केट कहाँ जा सकती है। देखिए पॉसिबली यही है कि मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पे खुलेगी या थोड़ा सा ऊपर खुलेगी, गैप डाउन हम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा जिस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिली है, सो हम लोग ये चीज़ तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेट मी ओपन 50 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, इट क्रिएटेड अ वेरी गुड ब्यूटीफुल डबल बॉटम, अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। सो अगर ये कल डिप देती है, मतलब गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए, बट अगर कल खुलते ही नीचे जाती है या कंसोलिडेट करते करते नीचे जाती है इसी लेवल से जिस लेवल पे क्लोज हुई है, सो हमारे लिए जो बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन आता है वो आता है करेंटली एट दिस पर्टिकुलर लेवल। इस लेवल के आसपास अगर हम लोगों को मिलेगा डिप के टाइम पे, तो हम यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हैं, देन वी कैन डेफिनेटली गो विद अ टारगेट ऑफ 18,300 एज वेल, कि यहाँ तक अपना हमारी मार्केट हम लोगों को लेकर जा सकती है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। सो अगर कल आपको इस लेवल पर डिप मिलती है, इस रेंज के आसपास आता है, डेफिनेटली गो फॉर अ बाय। अदरवाइज अगर ये गैप अप खुलता है और इस लेवल के भी ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो पेशेंसली एक बार वेट करना
और 3 मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व करना, बिकॉज 18,000 के लेवल पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हम लोगों को देखने को मिल रही होगी। बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बना रखी होगी कि 18,000 के नीचे ही मार्केट क्लोज करेगी, बट जैसे ही अगर 18,000 के ऊपर गैप अप देखने को मिलता है और 3 मिनट भी ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो वहां पर जितने भी कॉल राइटर्स थे वो सब अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। जिन लोगों ने पुट बाइंग कर रखी थी वो लोग एग्जिट करेंगे और शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट 18,300 विद इन अ डे और टू हम लोगों को देखने को भी मिल सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, अगर गैप अप खुलता है डेफिनेटली 18,000 के ऊपर, देन ओनली यू हैव टू वॉच द फर्स्ट 3 कैंडल्स ऑफ द फर्स्ट मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। इसके अलावा अगर डिप आती है तो यहाँ पर आप इस लेवल पे एक्युमुलेशन के लिए वेट कर सकते हैं, जैसे ही रिकवरी आएगी गो फॉर अ बाय। ओके, सो अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लेवल है जिसके ऊपर ही हम लोगों को अपनी बाइंग स्टार्ट करनी है। सो लेट मी शो यू। सो हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये एक जोन है, एक बहुत बढ़िया इसने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल पे। अब यहाँ देखिएगा, इस लेवल पे एक बहुत ही ज्यादा इसने अपना बढ़िया ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव अ वेरी ब्यूटीफुल रीटेस्ट और हम लोगों ने जो रेंज डिसाइड करी थी वो ये रेंज थी कि मतलब इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और इस रेड लाइन के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, और ये रेड लाइन थी 39,400 के ऊपर। और जैसे ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, लेट्स गो और चेक करते हैं, जैसे ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ऊपर गया 39,450 के ऊपर, तो आप देख सकते हैं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया और वहां से ऊपर गया और ऑलमोस्ट इसने 300 पॉइंट्स टू 400 पॉइंट्स तक की भी रैली कर दी थी। सो डेफिनेटली ये स्टॉक अब इसमें मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस लेवल पे, एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल पे अगर बाय चांस ये डिप देता है और इस लेवल से दोबारा एक्युमुलेट होकर ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे और हम लोग अपनी एक बाइंग सेटअप जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं एट पर्टिकुलर 40,200 का, 40,150 के आसपास बैंक निफ्टी डेफिनेटली जा सकती है। सो कल एक डिप आने दीजिए, डिप में हम लोगों के पास हायर चांसेस होंगे बाइंग करने के लिए। डिप मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन पे ऊपर गई और बहुत टाइम से नीचे गिर रही थी। सो अगर कल डिप आती है तो हमें एक चीज पता चल जाएगी उस डिप के अंदर कि बायर्स अभी भी कॉन्फिडेंस है या बायर्स दोबारा अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मार्केट अब दोबारा नीचे जा रही है तो और एक गिरावट आ सकती है। सो कल डिप हमें डिसाइड करेगी कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है मार्केट के अंदर। सो आई थिंक अगर डिप आती है तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डू बाय, और अगर वहां से रिवर्सल आता है तो अपने प्रीवियस हाईस तक मार्केट पहुंच सकती है। एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा एंड एफआईआर का डाटा के थ्रू भी कंपेरिजन कर लेते हैं और एक सेगमेंट निकाल लेते हैं। सो मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ओपन कर लिया है, तो हाईएस्ट पुट राइटिंग हम लोगों को 17,800 पे देखने को मिल रही है, सेकंड हाईएस्ट है 17,700 पे। सो बेसिकली करंट प्राइस है 17,930 का और हाईएस्ट पुट राइटिंग 17,800 पे है, ना कि 900 पे है। सो हम लोग ये चीज़ तो मान के चल सकते हैं कि नीचे हम लोग छोटा सा गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर डिप बेसिकली आ रही है सो डेफिनेटली वहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर जितने लोगों ने भी 17,600-700 का पुट ले रखा होगा, पुट राइटिंग करी होगी, वो लोग हेजिंग के थ्रू पे ऊपर की तरफ अपनी पुट राइटिंग जो शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं करंट लेवल 18,000 पे, जो कि बिल्कुल पास का स्ट्राइक प्राइस है, वहां पर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन एग्जिट करी है। आप यहां पर खुद देखिएगा, कॉल चेंज है 1.3 मिलियन एंड पुट चेंज है 17.1 मिलियन। सो डेफिनेटली गाइस अगर कल 18,000 के ऊपर गैप अप आता है तो एक शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में 18,200-300 तक भी मार्केट जा सकती है, बट 3 मिनट की कैंडल को एक बार जरूर ऑब्जर्व करिएगा। अदरवाइज करेंट लेवल्स पे खुल के ही छोटी सी डिप आती है तो भी बाय के लिए, सेल के लिए कल कोई भी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर नहीं है। बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को गाइज हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है। अगर हमारे स्टॉक्स के थ्रू आप कुछ अर्न कर पा रहे हैं, हमारी एनालिसिस के थ्रू अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं, सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। लेट्स एम फॉर 500 लाइक्स इन दिस वीडियो और लेट्स एम की 7,000 to 8,000 व्यूज भी हम लोग इसके अंदर काउंट कर पाए। अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो हाईएस्ट पुट राइटिंग है ऑन 39,500 लेवल्स और अभी वहां से करेंट लेवल से वो 250 पॉइंट्स नीचे है। इसके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट पुट राइटिंग है वो 39,000 और 39,300 पे है। तो यानी कि हम एक चीज तो मान के चल रहे हैं कि नीचे का जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट बहुत सारे लोगों ने बहुत डीप की पुट राइटिंग कर रखी है। तो डेफिनेटली कल हम लोग एक छोटा सा शॉर्टफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वहां पर हम लोगों को अपना बाइंग सेटअप स्टार्ट। हेवी कॉल राइटिंग है 39,800 के आसपास, तो डेफिनेटली अगर कल इससे 100 पॉइंट ऊपर भी गैप अप खुलता है, यानी कि 39,900 खुलता है,
तो भी एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, और वहां से आगे हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस अभी हर्डल देख नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी 500-400 पॉइंट आराम से ऊपर जा सकता है। सो मेरे हिसाब से होना बाइंग मॉडल, डिप ऑन डिप में हमें बाय करना, अदरवाइज गैप अप पे हम लोगों को बाय करना है। मार्केट के अंदर कल एक अच्छी बाइंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो मार्केट को इस तरीके से आप लोग वॉच करेगा। इसके अलावा आई होप कि FII का डाटा भी चेंज हो गया हो। 1st of November को अगर आप देखेंगे तो 72,000 की कॉल बाइंग है, उसके मुकाबले 200,000 क्वांटिटीज पे पुट बाइंग है, तो मार्क FIIs तो अभी भी पुट ऑप्शंस के अंदर बियरिश है। इसके अलावा लोगों ने 58 करोड़ की इंडेक्स के अंदर बाइंग करी है, विच इज़ नॉट इनफ। और बट एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इन लोगों ने FIIs ने स्टॉक्स के अंदर 200 करोड़ की ही सेलिंग करी हुई है, और हम पहले देख रहे थे तो हमेशा 4 digits से अंदर ही था, मतलब ऑलमोस्ट 3,000-5,000 करोड़ की सेलिंग हो रही थी। तो आई पर्सनली थिंक जहां पर इन लोगों ने अब सेलिंग करना स्टार्ट करा है, तो अब एक दो दिन के अंदर FIIs दोबारा बाइंग के अंदर आ सकते हैं और मार्केट एक नया हाई बना सकती है। ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं गाइस जो अपने ऑल टाइम हाई से 15-20% गिरे हुए हैं और अपने मंथली के सपोर्ट पे अभी भी खड़े हुए हैं। सो प्लीज डू लेट मी नो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, और नवंबर पे कौन से स्टॉक्स वर्क कर सकते हैं उससे रिलेटेड भी, तो प्लीज डू लेट अस नो ऑन अ कमेंट सेक्शन एज वेल। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर करिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा, तो आई होप कि आप लोग इतना हमारे लिए कर सकते हैं। सो हैप्पी ट्रेडिंग, गुड नाइट, थैंक यू।